मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया को। कर्नाटका में इलेक्शन है और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो आज जारी किया है और इसके ऊपर हम बात करेंगे और हमारे साथ है जाकिर खान। जाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया। तो कांग्रेस का फाइनली मैनिफेस्टो इलेक्शन के 8 दिन पहले आया है, बीजेपी का भी सिर्फ 2 दिन पहले आया था। बीजेपी का 2 नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कुछ हाइलाइट्स मैंने जो देखे थे उसके ऊपर बात करता हूँ। जो दिखाई दे रहा है क्लियर कट की 200 यूनिट फ्री की बात किया गया है, उसके बाद से 2000 यूरो पर मंथ देंगे जो औरत घर की हेड होगी बड़ी होगी उनको, फिर 10 किलो बात किया गया है गेहूं हो या रागी हो या चावल के बारे में वो दिया जाएगा, और उसके बाद बात किया गया है कि 3000 रुपीज पर मंथ ग्रेजुएट जो होंगे उनको देंगे और जो डिप्लोमा होल्डर होंगे 1500 रुपीज। और उसके बाद से एक चीज नजर आया कि जो लेडीज हैं और ट्रैवल करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बस में उनको फ्री है, ये मोटा मोटी नजर आ रहा है, क्या आप थोड़ा डिटेल में बात करेंगे? जी, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है दे आर कॉलिंग इट द सर्व जनांग द शांति अतोटा। इसका मतलब है पूरे सारे कम्युनिटीज का पुरसुकून बाग या गार्डन, पीसफुल गार्डन ऑफ ऑल कम्युनिटीज, दैट्स व्हाट इट्स कॉलिंग द मैनिफेस्टो एज। ये अगर आई मीन दिस इज समथिंग दैट इवन कुमार स्वामी ऑल्सो कीप्स टॉकिंग अबाउट कि कर्नाटका जो है एक सर्व जनांग द शांति अतोटा है, तो वो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को कॉल किया, विच इज़ क्वाइट अ ब्यूटिफुल थिंग टू से, क्योंकि पिछले 4-5 साल से जब तक बीजेपी है, आई मीन ये जो पूरे कम्युनिटीज के बीच में जो यू नो द नॉन पीसफुल माहौल जो डिफरेंसेस उन्होंने क्रिएट किया है उसका एक काउंटर किया है अपने मैनिफेस्टो को ये नाम दे के, सो विच इज़ क्वाइट अ ब्यूटिफुल थिंग। सो आप बात करते हैं उनके मैनिफेस्टो की, तो जब से इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू किया है दे बीन फोकसिंग ऑन 5 थिंग्स। एक है गृह ज्योति, जैसे आपने कहा, मैं थोड़ा इलाबोरेट करके बोलता हूँ, इसका नाम है गृह ज्योति। सारे 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे सारे रेसिडेंट्स को कर्नाटका में पूरी, एंड द अदर थिंग इज कॉल्ड गृह लक्ष्मी। 2000 एवरी मंथ हेड ऑफ द फैमिली जो वुमेन है, जो औरत है, उसको 2000 रुपया दिया जाएगा। अन्नभाग्य इज द थर्ड वन, यहाँ पे 10 kg आइदर या चावल देंगे या गेहूं या रागी, जो भी आपका चॉइस है, 10 kg एवरी BPL फैमिली को दिया जाएगा। युवा निधि इज़ द फोर्थ वन, यहाँ पे 3000 जो अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं है ग्रेजुएट्स को, सो 2 साल तक जब तक उनको काम नहीं मिल जाता 3000 रुपये देंगे। और डिप्लोमा होल्डर जिनके पास काम नहीं है उनको 1500 रुपया एवरी मंथ दिया जाएगा 2 साल के पीरियड तक, जब तक उनको काम नहीं मिल जाता। और पांचवा है जो रिसेंटली राहुल गांधी ने इसका ऐलान किया था, पांचवा इट्स कॉल्ड शक्ति। यहाँ पे जो भी विमेन हैं, औरत हैं, उनको कहीं पे भी पूरी कर्नाटका में KSRTC बसेस या BMTC बसेस में फ्री ट्रैवल होगा। सो दीज आर 5 मेन पॉइंट्स जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। सो इसके अलावा बाकी बहुत सारे हैं, रिजर्वेशन के ऊपर, मुसलमानों के लिए, एजुकेशन के लिए, विच वी विल टॉक इन डिटेल। मतलब ये जो 5 पॉइंट है काफी अट्रैक्टिव है, अगर इस पे ये लोग अमल कर लेते हैं तो डेफिनेटली लगता है कि इससे आम जनता को फायदा होगा, बहुत सारों को फायदा होगा, स्पेशली जो BPL फैमिलीज हैं इनको तो बहुत लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को डेफिनेटली, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही से होता है उनके तक पहुंचता है, इसके अंदर कोई करप्शन नहीं होता है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प द पीपल। अब ये बताइए कि कुछ कास्ट वाइज, जैसे आपने भी कुछ कहा, मुसलमानों के लिए कुछ बेनिफिट, मुसलमानों के लिए बेनिफिट है और दूसरे कास्ट लोगों के लिए भी बेनिफिट है। सो वील टॉक अबाउट रिजर्वेशन फर्स्ट, उसके बाद मुसलमानों के लिए आते हैं। सो रिजर्वेशन जो है, जो सीलिंग है एज ऑफ नाउ कर्नाटका में 50% तक रिजर्वेशन है, तो उसको 50% से 70% तक इंक्रीज करने की बात की गई है। अब मतलब पूरे कम्युनिटीज को 50% सबको मिला के 50% तक है, सो उसको 20% इंक्रीज करने की बात की गई है। और रिजर्वेशन अब फिलहाल जो दलित के लिए है, SCs के लिए, SC लोगों के लिए 15% है राइट नाउ, उसको 17% बढ़ाएंगे, और ST जो है उसको 3% है, उसको 7% बढ़ाएंगे। सो दिस इज द प्रॉमिस। एंड लिंगायत और वक्कलिगा के लिए भी प्रॉमिस किया गया है कि उनका रिजर्वेशन भी इंक्रीज किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में जो मुसलमानों का रिजर्वेशन था 4%, उसको बंद करके जो 2% लिंगायत को, 2% वक्कलिगा को BJP ने कहा कि उसको उनको देंगे। सो कांग्रेस इज टेलिंग के वी विल ऑल्सो इंक्रीज फॉर लिंगायत एंड वक्कलिगा,
बट वी विल रिस्टोर जो उन्होंने हटाया था कांग्रेस मुस्लिम मुस्लिम रिजर्वेशन उसको भी बरकरार रखेंगे दे विल रिस्टोर इट लेकिन लिंगायत और अकलिका को सेपरेटली देंगे तो मतलब ये है कि कांग्रेस ओवरऑल परसेंटेज जो है वो बढ़ा रही है ना कि किसी के घटा किसी नहीं घटा नहीं रही है सिर्फ बढ़ा रही है राइट सो कितना परसेंट बढ़ाएंगे वक्कलिगास और लिंगायत को ये बताया नहीं है बट दे विल इंक्रीज इज व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड फिर कास्ट सेंसस जो पूरी बहुत सारे लोग बहुत सारे गवर्नमेंट्स बात कर रही हैं लेकिन बीजेपी हैज नॉट हेल्ड दैट कास्ट सेंसस इन्होंने कहा कि वो रिलीज करेंगे कास्ट सेंसस की कौन कितने में है क्या है करके सो दैट डिटेल दे विल गिव इट लेकिन कास्ट सेंसस का रिलीज करेंगे और जितने भी एससी और एसटी जो बेघर हैं पूरी कर्नाटका में अगले 5 सालों तक सबके लिए एससी और एसटी के लिए एक घर बना के देंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट सो ये प्रोमिसेस है फॉर एससी एसटीज और रिजर्वेशन के लिए अब आते हैं मुसलमानों की तरफ जैसे मैंने कहा कि जो 4% 4% रिजर्वेशन था माइनॉरिटीज के लिए जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने हटा दिया था सो कांग्रेस हैज प्रॉमिस कि वो रिस्टोर करेगी वापस लेके आएगी राइट सो दैट्स वन थिंग और माइनॉरिटी वेलफेयर फंड सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है लेकिन इसमें जैन्स भी हैं बुद्धिस भी क्रिश्चियंस भी हैं जितने भी माइनॉरिटीज हैं सो उसकी जो फंड है वेलफेयर फंड उसको 10,000 करोड़ तक इंक्रीज करेंगे सो दिस इज समथिंग रियली गुड एंड एक सोशल हार्मनी पैनल एवरी पंचायत लेवल पे सोशल हार्मनी के लिए एक पैनल बनाया जाएगा ताकि कम्युनिटीज के बीच में अमन बरकरार रहे ताकि अगर कोई ना इत्तफाकी हो जाए तो उसको मिटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी तो दिस थिंग विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट एवरी पंचायत लेवल सो विच इज वेरी गुड थिंग क्योंकि जो 5 साल में जिससे का जो डिफरेंसेस हुए हैं उसको हटाने की एक कोशिश है सो सो दैट्स अ गुड थिंग एंड फिर स्कॉलरशिप्स की बात की गई है कि एससी एसटी और ओबीसी क्योंकि मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आता है सो दिस इज रेलेवेंट फॉर मुस्लिम्स आल्सो सो 1,000 students को एससी हो एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में उनको सीट मिली है उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम्स कुछ नया नहीं है जो बीजेपी ने हटा दिया था उसको वापस उसको बरकरार रख रहे हैं बस दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट राइट सो दिस इज फॉर मुस्लिम्स फिर जाते हैं एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिस इज जनरल नथिंग टू डू विद एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी लेकिन 2,500 गवर्नमेंट स्कूल्स पूरी कर्नाटका में उसको स्मार्ट स्कूल्स बनाया जाएगा सो दिस दे हैव स्पोकन अबाउट और बीजेपी की हुकूमत में जैसे आप जानते हैं बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में उन्होंने चेंजेस किए थे हिस्ट्री चेंजेस की थी बहुत सारा चीज़ें जो मुस्लिम रिलेटेड था उसको निकाला था सो दैट विल बी जो पहले था उसको पुराना था उसको लेके आएंगे सो दैट दे हैव प्रॉमिस्ड और लॉ की तरफ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की तरफ इन्होंने कहा है जैसे बीजेपी ने PFI को बैन किया है वैसे ही बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं हर कम्युनिटी में इन्होंने बजरंग दल का स्पेसिफिक नाम लिया है कि बजरंग दल को भी बैन कर सकते हैं ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सो इनको बैन या अगर एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं तो इनको हम बैन लगाएंगे करके ये एक प्रॉमिस किया है सो दे स्पेसिफिकली मैंशन बजरंग दल का नाम राइट और जितने भी लॉज बीजेपी ने लेके आए थे दे आर कॉलिंग इट इज अनजस्ट लॉस अब एंटी पीपल लॉ अब ये कौन से अनजस्ट लॉज है कौन से एंटी पीपल लॉ है इसका स्पेसिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया है वैसे तो बहुत सारे लॉज लेके आए थे फॉर एग्जाम्पल हिजाब का है या काउ स्लॉटर का है लेकिन इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है सो दे सेड के इन सबको निकाल फेंकेंगे और जैसे पहले था वैसे लेके आएंगे विद इन 1 ईयर ऑफ कमिंग टू पावर एक साल के अंदर लेके आएंगे राइट फिर जितने भी पुलिस वाले हैं उनको 5,000 रुपये जो रात में नौकरी करते हैं उनको अलाउंस दिया जाएगा तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सो दीज आर मोटे मोटे जो कम्युनिटी स्पेसिफिक है और यू नो वेलफेयर स्पेसिफिक है सो दीज आर दी थिंग्स दैट दे वो प्रॉमिस टू ब्रिंग इट तो मैनिफेस्टो देख के तो लगता है जाकिर साहब की काफ़ी अच्छा है और फ्रेंडली है और लेकिन अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि एससी और एसटी के लिए जो कहा कि हर किसी को घर बना के देंगे दिस इज ऑल्सो गुड स्टेप और मुस्लिम के लिए ठीक है वो 4% जो गया था सिर्फ उसी को वापस लेके आने की बात है एक चीज अच्छा है कि एजुकेशन के ऊपर इन लोगों ने फोकस किया है और कहा है कि 2,500 स्मार्ट स्कूल गवर्नमेंट के जो है उसको तब्दील करेंगे तो डेफिनेटली एजुकेशन का अच्छा फोकस है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पुलिस के ऊपर भी थोड़ा सा एक पॉइंट मैं भूल गया था अब इसे
पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि लोकल लोग, यहाँ के जो लोग हैं, मकामी जो लोग हैं कर्नाटका के करंडिगास, उनको 80% तक जॉब्स वहां पे रिजर्व करने की बात भी की गई है, सो दैट लोकल पीपल गेट जॉब्स। तो लोकल पीपल का मतलब वो जो कुछ उसमें दिया है कि जो 10th पास है या नहीं, वो तो होगा, आई मीन वो एलिजिबिलिटी तो अलग है कि कहां पे कौन सी जॉब में कौन सा क्राइटेरिया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में लोकल मतलब कर्नाटका, लोकल मतलब जो यहाँ के पैदाश के हैं, यहाँ पे पहले बड़े हैं, उनको 80% those will be in Karnataka, उन्हीं को मिलेगा। हाँ, उन्हीं को मिलेगा, वो कोशिश करेंगे। अब कितने तक इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ये सब लेके आना मुश्किल काम है। नहीं, लोकल जो है उनको भी एक बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि हर जगह एक लोकल को बेनिफिट होता है, तो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग टू डू दैट। करेक्ट, ठीक है ना। तो जाकिर भाई, जैसे आपने कहा बजरंग दल को बैंड करने के लिए जो आरएसएस का लिंक है जी, तो अगर आप देखेंगे हिस्ट्री जाएंगे, सरदार पटेल ने आरएसएस को एक बार बैंड करने की बात की थी, उसके लंबे अरसे के बाद पहली बार है कि कांग्रेस खुल के बजरंग दल के बारे में बोल रही है बैंड करने के लिए। तो एक जो लोगों के माइंड में था कि ये भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं उस छवि को इस एक्शन से कम करता हुआ नजर आ रहा है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे यू नो लाइक 5 ईयर्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, और यूजुअली सवाल उठा है गवर्नमेंट के ऊपर कि एक सिर्फ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर रहे हैं या मुस्लिम लोगों को अंदर डाल रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरे जो लोग कर रहे हैं इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सो आई थिंक दिस इज राइट डायरेक्शन पे जा रही है कांग्रेस, एंड इस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा बहुत कुछ आएगा, लेकिन एक बोल्ड स्टेप लिया है, डिस्पाइट कि क्रिटिसिज्म तो आना ही है, बीजेपी इसको यूटिलाइज भी करेगी, बट डिस्पाइट दैट दे हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप, सो एक नहीं, ये डिसीजन ठीक है, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर आप जनता की बात करते हैं तो हर कोई पहले जैसे था हिंदुस्तान, आज से 10-15 साल पहले जो मिलजुल कर रहते थे लोग में हेट्रेट नहीं था एक दूसरे कम्युनिटी, वो धीरे धीरे जा रहा है। तो एक सही स्टेप है जिसको पुराने जो इंडियन कल्चर थे और साथ में मिलकर काम करने की चीज थी, ये सब करने से थोड़ा वो वापस आ सकते। सही, तो जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पे पूरी जानकारी देने के लिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।